प्रियंका चोपड़ा एक एनजीओ के इवेंट पर आई। प्रियंका ने हजारों की तादाद में मौजूद यूथ को एड्रेस किया। आजकल की युवा पीढ़ी जो हमें यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है, अपने लिए आवाज बनाओ। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो हमारा फ्यूचर है। लेकिन अपनी इस फेवरेट स्टार को अपने बीच देखकर फैंस इतने बेकाबू हो गए कि उन्हें शांत करने के लिए प्रियंका हो गई परेशान। मैं यही हूँ, केयरफुल, किसी के पैरों पर मत चलना, एक दूसरे के ऊपर मत चलना। वैसे इस इवेंट पर प्रियंका चोपड़ा सीधे एयरपोर्ट से पहुंची थी, वो भी अपने फादर के साथ, और बात यूथ की हो रही थी तो प्रियंका संस्कारों का जिक्र करना बिल्कुल भी नहीं भूली। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो हमारा फ्यूचर है। आप सब, मैं, हम लोग, हमारे बच्चे कल जाके इस देश को जहाँ जाना है वहाँ तक लेकर जाएंगे। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी संस्कारों के साथ जिएं। हमारे पेरेंट्स हैं हम इंडिया जैसे महान, भारत जैसे महान देश में रहते हैं। पर अपनी फेवरेट स्टार से प्रवचन की उम्मीद नहीं थी पब्लिक और उनके फैंस को, इसलिए बीच बीच में होता रहा काफी डिस्टरबेंस। आराम से लड़, अब किसी को चोट लग जाएगी वहाँ पे, प्लीज। वैसे काफी कुछ डिस्टरबेंस प्रियंका चोपड़ा की पब्लिक इमेज में भी चल रही है इन दिनों। आए दिन प्रियंका चोपड़ा को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी की खबरें आ रही हैं। करण जौहर से प्रियंका के वॉर ऑफ वर्ड्स की भी आजकल काफी चर्चा है। इसीलिए लगता है प्रियंका ने इस इवेंट पर भी काफी प्रिकॉशंस लिए, मीडिया से भी बात करना अवॉइड किया और सीधे सीधे किसी चैनल के सामने नहीं आई। प्रियंका संस्कारों और सच्चाई को पकड़ कर रखने की बात कह रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपनी सच्चाई की ताकत पर पूरा भरोसा होगा। पर अगर इतना भरोसा है तो फिर वो मीडिया के जरिए अपने फैंस तक ये सच्चाई क्यों नहीं पहुंचा देती? इसके बावजूद सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखने में किसका फायदा है, ये तो प्रियंका ही बेहतर बता सकती है। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई।